Hello friends, I am Himanshu Kapoor. Today we will discuss some important questions in time and work which are frequently asked in the exam. So let us start with the questions. 12 men can do a work in 12 days. After 2 days, 4 men left the work. Then in how much time remaining work will be finished? Question mein kya kaha gaya hai ki 12 aadmi kisi kaam ko 12 din mein pura karte hain. और काम शुरू होने के 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं हमें यह बताना है कि जो हमारा काम है रिमेनिंग कितने दिन में पूरा होगा नाउ कम टू द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड टोटल वर्क दैट मस्ट बी इक्वल टू 12 मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज दैट मींस दिस इज आवर टोटल वर्क नाउ We have to find the work done in 2 days because after 2 days 4 men left the work that means this 12 number of person worked for 2 days that means work done must be equal to 12 men into 2 days now what we do we have to find remaining work Subtracting the work done from the total work, we get the remaining work. That must be equal to 120 units. This 120 units work have to be completed by rest of the person. Initially, we have 12 person. Now, after 2 days, 4 men left the work. Now, the rest of the persons are 8. So, this total unit of work will be done by rest of the persons in 15 days. हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने total work find out किया. Total work कैसे find out करेंगे? 12 men किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ये हमारा total work हो गया. अब क्या हुआ? कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 आदमी थे उन्होंने 2 दिन साथ में काम किया टोटल वर्क हमारा कितना है 12 men into 12 days ये हमारा टोटल वर्क है और वर्क डन कितना हुआ है 12 men into 2 days अब हमने रिमेनिंग वर्क निकाल लिया रिमेनिंग वर्क कितना आया हमारा 120 यूनिट्स अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा रिमेनिंग वर्क जो है हमारे 8 आदमी करेंगे क्योंकि पहले इनिशियली कितने थे हमारे 12 पर्सन थे लेकिन 4 पर्सन जो है ना काम छोड़कर चले गए तो हमारे रिमेनिंग पर्सन कितने हुए 8 ये 12 ये 120 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है ना 8 आदमी करेंगे और कितने दिन में पूरा करेंगे 15 दिन में पूरा करेंगे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज After 27 days, 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the last of the food for remaining soldiers? Question में क्या बताया गया है कि 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था. लेकिन क्या हुआ? 27 दिनों बाद क्या कहते हैं? 120 सैनिक जो है ना फोर्ट को छोड़कर चले गए. हमें बताना है जो बचा हुआ खाना है और बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चला? Now come to the solution. In this question, what we assume? We assume the food for 200 soldiers for 31 days, that must be equal to total work done. हम assume करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा total work done कितना होगा? 200 soldiers का जो food है 31 days के लिए. But what happens? After 27 days, 120 soldiers left the fort. That means 200 soldiers consumes the food for 27 days. This is our work done. Now we have to find how many extra days will the last of the food for the remaining soldiers. So the remaining food or you can say remaining work that must be equal to 200 into 4 units. Now this food will be consumed by remaining soldiers in the fort. That must be equal to 200 minus 120. That is, after solving it, you get the food will last for 10 days.
हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास पर्याप्त भोजन था 200 सोल्जर्स के लिए 31 दिन के लिए, लेकिन क्या हुआ कि 27 दिनों के बाद क्या हुआ कि 120 सोल्जर जो है ना फोर्ट छोड़कर चले गए। इसका मतलब जो 200 सोल्जर्स थे उन्होंने 27 डेज तो ये खाना कंज्यूम किया ना, तो उसके बाद जो हमारा फूड रह गया, रिमेनिंग फूड कितना हो गया, 200 × 4 यूनिट्स। अब इस फूड को कौन कंज्यूम करेगा, इसको कंज्यूम करेगा जो हमारे सोल्जर्स रह गए हैं फोर्ट के अंदर, वो कितने हैं, 200 − 120 दैट इज इक्वल टू 80। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द नंबर ऑफ डेज इन विच द फूड लास्ट फॉर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 1600 मैन फॉर 120 डेज एंड वन टेक 900 ग्राम फूड फॉर एवरी डे, बट आफ्टर 80 डेज 400 मैन लीव द प्लेस एंड नाउ ईच वन टेक 1000 ग्राम फूड एवरी डे, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है कि 1600 आदमियों के लिए 120 दिन का खाना जो था ना पर्याप्त था, और हर एक जो है आदमी, हर एक आदमी क्या कर रहा है, 900 ग्राम जो है खाना रोज खा रहा है, लेकिन क्या हुआ 80 दिनों के बाद 400 आदमी उस जगह को छोड़कर चले गए, और अब जितने जो आदमी रह गए वो जो है प्रतिदिन 1000 ग्राम यूनिट जो है ना फूड का कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि जो बचे हुए आदमी हैं और उनके लिए जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन चलेगा। नाउ कम टू द सॉल्यूशन, सो इन दिस क्वेश्चन वी अज्यूम अ टोटल वर्क दैट मस्ट बी इक्वल टू 1600 सोल्जर फॉर 120 डेज कंज्यूमिंग 900 ग्राम फूड एवरी डे। नाउ द वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू 1600 मैन कंज्यूमिंग द फूड फॉर 80 डेज टेकिंग 900 ग्राम एवरी डे। नाउ द रिमेनिंग वर्क, और यू कैन से रिमेनिंग फूड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1600 × 900 × 40, this is the remaining food and this food must be consumed by the remaining persons taking 1000 gram food every day. Now the remaining persons are 1600 − 400 taking 1000 gram every day. So after solving it we get the number of days in which the food last for, that is 48 days. अब हमने क्या किया, हमने जो है 1600 सैनिकों के लिए जो खाना था उसको हमने टोटल वर्क मान लिया, और जो 80 दिनों तक 1600 सैनिकों ने 900 ग्राम यूनिट खाना ही खाया, क्योंकि 80 डेज तक तो क्या हुआ था कि 1600 आदमी थे और उन्होंने 900 ग्राम यूनिट कंज्यूम किया, लेकिन 80 डेज के बाद क्या हुआ कि जो 400 जो थे सोल्जर्स हमारा फोर्ट को छोड़कर चले गए, तो चले गए तो हमारा ये क्या हो गया, रिमेनिंग फूड हुआ, और आप इसे क्या कहते हैं, रिमेनिंग वर्क भी बोल सकते हो। अब ये जो खाना है, ये खाना जो है कंज्यूम कौन करेगा, रिमेनिंग पर्सन कंज्यूम करेंगे जो उस जगह पर रह गए, और अब जो रिमेनिंग पर्सन है ना वो 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। तो हमने क्या किया, जो रिमेनिंग फूड था उसको रिमेनिंग पर्सन से डिवाइड कर दिया, हमें नंबर ऑफ डेज मिल गए जिसमें खाना चलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 मैन कुड फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 210 डेज बट एट द एंड ऑफ 100 डेज 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो 15 आदमी है किसी काम को 210 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ 100 दिन बाद जो है ना 15 आदमी को और काम पे लगाया गया। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा काम है वो कितने अधिक दिनों में पूरा हुआ। नाउ कम टू द सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द टोटल वर्क, टोटल वर्क मस्ट बी इक्वल टू 15 मैन कंप्लीटिंग ए वर्क इन 210 डेज, दिस इज द टोटल वर्क, बट एट द एंड ऑफ 100 डेज 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड, दैट मीन्स 15 मैन वर्कड फॉर द 100 डेज, दिस इज द वर्क डन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग वर्क, दैट मस्ट बी इक्वल टू 15 × 110 यूनिट्स। Now this is the remaining work.
Now this work have to be completed by how many persons? Initially there were 15 men and 15 more men are employed. That means the remaining work is completed by 30 persons in 55 days. हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट किया. टोटल वर्क क्या होगा हमारा कि जो 15 आदमी है किसी काम को जितने दिन में पूरा कर सकते हैं वो हमारा टोटल वर्क है. और वर्क डन कितना हुआ इनिशियली क्या था हमारे पास 15 आदमी थे और उन्होंने 100 दिन तक काम किया. तो अब हमने रिमेनिंग वर्क निकाल दिया ये हमारा वर्क डन है ये हमारा टोटल वर्क है. रिमेनिंग वर्क निकाल दिया रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 15 × 110 यूनिट्स. अब ये जो हमारा रिमेनिंग वर्क है ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा. पहले तो इनिशियली कितने थे 15 आदमी थे लेकिन 15 और आदमी को हमने एम्प्लॉयड कर लिया तो क्या हुआ कि रिमेनिंग वर्क जो है ना 30 आदमी ने पूरा किया. और कितने दिनों में पूरा किया 55 डेज में पूरा किया. Now, before solving this question, we must know about man hour day concept. So, what is man hour day concept? Suppose we have two groups, that is group 1 and group 2, right? The number of persons working in group 1 are M1 working H1 hours per day. Completing a job that is W1 in D1 days that must be equal to the number of persons in group 2 denoted by M2 working H2 hours per day completing a work W2 in D2 days. मैन आर डे कंसेप्ट क्या है हमने मान लिया कोई हमारे पास दो ग्रुप हैं वो किसी काम को कर रहे हैं. अगर ग्रुप वन के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उसको हमने M1 से डिनोट कर दिया और वो पर आर काम कर रहे हैं उसको हमने H1 से डिनोट कर दिया और किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं वो D1 से डिनोट कर दिया और काम को हमने W1 से डिनोट कर दिया. ये जो है हमारा इक्वल होगा दूसरे ग्रुप में जो पर्सन्स हैं उनको अगर हम डिनोट करते हैं M2 से वर्किंग H2 आवर्स पर डे कंप्लीट करते हैं किसी काम को D2 डेज के अंदर और जो हमने काम को डिनोट कर दिया W2 से. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन सेज 24 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज देन इन हाउ मेनी डेज 25 मैन विल कंप्लीट दिस वर्क. हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 24 आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा करते हैं. अगर उसी काम को हमें 25 आदमी से करवाना हो तो वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे. Now in the solution we will apply the same concept that is man hour day. So we write 24 men complete a work in 50 days that must be equal to 25 men completed the same work in how many days. So by solving it we get the number of days in which work is completed by 25 men that is 48 days. हमने क्या किया हमारा जो टोटल वर्क था कितना था 24 मैन जो हैं किसी काम को 50 दिन में करते हैं और यही काम अगर हमें 25 आदमी से करवाना तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे. हमने ये जो ऊपर जो हमने रिलेशन अभी डिफाइन किया था उसमें हमने हमें क्या दिया हुआ है हमें मैन दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं जिसमें काम पूरा होता है और दूसरे ग्रुप में क्या दिया हुआ है हमें 25 मैन दिए गए हैं लेकिन हमें डेज फाइंड आउट करने हैं. अब हमारे पास तीन चीज़ है तो हमें फोर्थ वन निकालना है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. Now the next question is 38 men can complete a work by working 6 hours per day in 12 days. Then calculate in how many days 51 men can do double of work by working 8 hours day. हमें question में क्या कहा गया है कि 38 आदमी जो है ना किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं अगर वो 6 घंटा हर रोज काम करे. हमें ये बताना है कि जो 51 आदमी है उसी काम का दुगना काम करे और प्रत्येक दिन वो 8 घंटा काम करे तो काम जो है कितने दिन में पूरा होगा. तो यहाँ पे भी हम मैन आर डे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. 38 मैन वर्किंग 6 आवर्स पर डे कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज. सपोज द वर्क डन बाय 30 मैन इन 12 डेज वर्किंग 6 आवर्स पर डे इक्वल टू 1 यूनिट एंड वी हैव टू फाइंड In how many days 51 men working 8 hours per day doing the double of this work in how many days.
हमें क्या बताना है कि जो 51 जो मैन है वो इस काम का दुगना काम कितने दिन में पूरा करेंगे अगर वो 8 घंटे हर रोज़ काम करते हैं। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डेज मिलते हैं, दैट इज 6:12/17। Now the next question is 16 labor do a work in 6 hours per day and make a wall of size 150 meter long, 120 meter wide and 12 meter high in 25 days. Find in how many days 12 laborers do a work in 8 hours per day and make a wall of 800 meter long, 15 meter wide and 6 meter high. हमें क्या बताया गया है कि जो 16 मजदूर हैं जब वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो वो जो है एक दीवार बनाते हैं जो कि 150 मीटर लंबी है, 120 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची है 25 दिन में। अब हमें यही बताना है कि अगर 12 मजदूर जो हैं 8 घंटा प्रतिदिन काम कर कर एक दीवार को जो कि 800 मीटर लंबी है, 15 मीटर चौड़ी है, 6 मीटर ऊंची है, कितने दिन में बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम मैन आर और डे का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब ये जो वॉल है जो कि वॉल का साइज है जो कि लेबर्स ने बनाया है वो क्या होगा, ये हमारा वर्क डन होगा। 16 लेबर वर्किंग 6 आवर्स पर डे मेक ए वॉल इन 25 डेज। अब ये जो डायमेंशन है जो वॉल का वो हमारा वर्क डन होगा, दैट इज 150 इंटू 120 इंटू 12 मीटर। सिमिलरली 12 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे मेक ए वॉल ऑफ 800 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 6 मीटर। अब हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं कि जो 12 लेबर्स हैं प्रतिदिन 8 घंटा काम करके जो वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है कितने दिन में पूरा करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू 50। बहुत सिंपल है, सिर्फ मैन आर डे का कंसेप्ट यूज़ करना है। हमें पता है कि जो लेबर दे रखे हैं हमें कितने हैं, कितने घंटे काम करते हैं और हमें दिन भी दिए हुए हैं और जो वॉल का डायमेंशन है ना वो हमारा काम होगा। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में क्या है, जब 12 लेबर हैं 8 दिन प्रति घंटा काम करते हैं वो और कितने दिन में काम पूरा होगा और उनका वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने के बाद हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 50। The next question is 16 labor do a work in 6 hours per day and make a wall of size 150 meter long, 20 meter wide and 12 meter high in 25 days. Find in how many days 12 laborers do a work in 8 hours per day and make a wall of 800 meter long, 15 meter wide and 6 meter high. हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि 16 मजदूर हैं जो कि 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं और एक दीवार बनाते हैं, दीवार की जो है 150 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची है और वो 25 दिन में बनाते हैं। अब ये जो वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है ना, दैट इज 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर हाइट, ये जो है ना हमारा वर्क डन है। और हमें ये बताना है कि 12 मजदूर अगर 8 घंटा प्रतिदिन काम करें तो एक दीवार जिसकी डायमेंशन कितनी है, 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर हाई है, कितने दिन में बनाएंगे। तो ये जो वॉल का डायमेंशन है ये हमारा वर्क डन है। सो 16 लेबर वर्किंग 6 आवर पर डे कंप्लीट ए वॉल और मेक ए वॉल हैविंग डायमेंशन 150 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर हाइट। सिमिलरली 12 लेबर्स वर्किंग 8 आवर्स कंप्लीट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 6 मीटर हाइट इन हाउ मेनी डेज। सो बाय सॉल्विंग वी गेट द नंबर ऑफ डेज, दैट मस्ट बी इक्वल टू 50।
हमने क्या किया, हमने मैन आर डे का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जो पहले ग्रुप के जो पर्सन्स हैं कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिनों में उन्होंने काम पूरा किया, जो काम है, जो वॉल की डायमेंशन है, ये हमारा काम है, जो कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। और दूसरे ग्रुप में हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, हमें घंटे दिए हुए हैं कितने हैं और हमें पता है कितने मजदूर काम कर रहे हैं और वॉल की डायमेंशन दी हुई है और हमें बताना है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से जो हमें डेज मिलेंगे वो हमें 50 डेज मिलेंगे जिसमें काम जो है पूरा होगा। Now the last question is, a team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days, 5 more men employed on work, due to which the work is completed one day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed? हमें question में क्या कहा गया है? हमें question में बोला गया है कि एक team है 30 लोगों की जिसे काम पे रखा गया है और जो कोई काम है वो 38 days में पूरा करना है। लेकिन 25 दिन बाद क्या होता है कि 5 और लोगों को बुलाया जाता है तो काम जो है ना एक दिन पहले पूरा हो जाता है। हमें ये बताना है कि अगर उन 5 और लोगों को नहीं बुलाया जाता तो काम कितने दिन में पूरा होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड टोटल वर्क, दैट टोटल वर्क मस्ट बी इक्वल टू 30 मैन डूइंग अ वर्क इन 38 डेज। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर 25 डेज, ये तो हो गया हमारा वर्क डन जो 25 डेज में 30 पर्सन्स ने किया है। लेकिन क्या होता है कि 25 डेज जो है ना 5 पर्सन्स को और बुलाया जाता है, काम जो है ना एक दिन पहले पूरा हो जाता है। अब जो रिमेनिंग डेज है कितने हैं हमारे पास, 13। लेकिन उन्होंने काम कितने दिन पहले पूरा कर दिया, उन्होंने एक दिन पूरा कर दिया पहले, तो यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ डेज 12 लेंगे। और अब ये जो काम है कौन कर रहे हैं, 35 पर्सन्स कर रहे हैं और काम जो है एक दिन पहले पूरा हो गया। लेकिन अगर ये जो 30 अगर ये जो 5 पर्सन एक्स्ट्रा हैं अगर इन्हें नहीं बुलाया जाता तो काम इन 30 पर्सन को करना पड़ता, तो 30 पर्सन जो हैं ये काम कितने दिन में पूरा करते, 14 डेज में पूरा करते। अब इनिशियली तो वो 25 डेज ले रहे थे और ये जो रिमेनिंग काम था जो टाइम पे पूरा हो गया उन्होंने वो 14 डेज में पूरा किया, इसका मतलब उन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ डेज लिए कितने लिए, 39 डेज लिए। लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 38 डेज का था, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा डेज हैं या फिर जो काम डिले हुआ है वो एक दिन डिले होता अगर 5 मोर पर्सन्स को नहीं बुलाया जाता। आई रिपीट, हमने सबसे पहले क्या किया कि टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होता है 25 दिन बाद कि 5 और नए लोगों को बुलाया जाता है और जो काम है एक दिन पहले पूरा हो जाता है, इसका मतलब ये तो वर्क डन हो गया 25 दिनों में जो 30 लोगों ने किया, लेकिन रिमेनिंग वर्क हमारा ये हुआ जो 35 लोगों ने किया, एक दिन पहले किया, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिया। अगर वो 5 पर्सन और नहीं आते तो काम कौन पूरा करता, काम यही 30 लोग पूरा करते, तो काम कितने दिन में पूरा होता, 14 डेज में पूरा होता। इनिशियली वो 25 डेज ले रहे थे और जो रिमेनिंग काम है उन्होंने 14 डेज में पूरा किया, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डेज उन्हें लगे कितने लगे, 39 डेज लगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 38 डेज का था, अब 38 डेज का था, इसका मतलब अगर 5 मोर पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करते हम तो काम जो है ना एक दिन डिले हो जाता हमारा।